दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉरएवर पे। यहां पे आपको इसी तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें तो दैट आपको इस तरह के बेहतरीन हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अमरूद के बारे में, अमरूद के फल के बारे में नहीं, हालांकि अमरूद के फल के बारे में भी, उसके फायदों के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अमरूद के पत्तों के बारे में शायद कोई बात नहीं करता, मगर अगर आप जानेंगे कि अमरूद के पत्तों के अंदर भी क्या इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या उसके अंदर भी इतने औषधीय गुण हो सकते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे हम तो अमरूद के पत्ते भी फेंक देते हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में आखिर तक, मैं आपको बताने वाला हूं कि अमरूद के पत्ते आपके लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई अमरूद के पत्तों में ऐसी कौन सी खास बात होती है, उसके अंदर होता क्या है जिससे आप इसकी इतनी वैल्यू गिनाने लगे हैं। तो देखिए, अमरूद के पत्तों के अंदर जो है वो कई सारे केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उसके अंदर टैनिन्स होते हैं, उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है और उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो सब्सटेंस हैं ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करते हैं और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं और बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी करते हैं। आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी हार्ट की हेल्थ को भी ये बना के रखते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने और फैट को कम करने की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आप इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस्तेमाल करने का तरीका क्या हो सकता है और कौन कौन सी बीमारियों में फर्दर आपको अमरूद के पत्ते फायदे पहुंचा सकते हैं। तो अमरूद के पत्तों का जो सबसे पहला फंक्शन होता है, ये एंटीसेप्टिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज लेके आते हैं। जैसे हमने ऊपर बात की, बहुत सारे ऐसे मरीजों को जिनको कुछ इन्फेक्टिव डिजीज हो जाते हैं, अमरूद के पत्तों का सेवन पुराने जमाने में किया जाता था, आयुर्वेदिक दवाइयों में आज भी इस्तेमाल किया जाता है, यूनानी दवाइयों में आज भी इस्तेमाल किया जाता है, काढ़े के तौर पर अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे दोशांदे और काढ़े जो है वो अमरूद के पत्तों के मिला के ही बनाए जाते हैं। काढ़ा बनाने का विधि मैं लास्ट में आपको बताऊँ कि काढ़ा कैसे बनाते हैं। दूसरा, इसका बड़ा रोल होता है डायबिटीज में, मधुमेह के अंदर, यानी कि हाई ब्लड शुगर के अंदर। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो ये शुगर है इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करके ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में लेके आ जाता है, जिसके जो है ब्लड के अंदर इसका जो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत तेजी से नहीं होता। यानी कि अगर कोई भी शुगर कॉम्पोनेंट होता, अगर आप अमरूद के पत्ते खाते हैं तो तेजी से आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा और ये एक्चुअल में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे हैं अमरूद के पत्ते ब्लड शुगर के मरीजों के लिए। आप कोई भी दवाई अगर खाते हैं, आप अगर अमरूद के पत्तों का काढ़ा इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड शुगर ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होगा और आपकी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। इस काढ़े को आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं, और इसमें शहद ना मिलाएं। हालांकि जब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं उसमें शहद का भी इस्तेमाल होता है, तो डायबिटिक अपने काढ़े में शहद का इस्तेमाल ना करें। तीसरा, इसका जो बड़ा फंक्शन होता है ये डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज लेके आता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव कर देते हैं और ये स्टमक से ही आपका डाइजेशन सुधारना शुरू कर देते हैं। इवन ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग्जरेटिव का तौर पर भी काम करते हैं और आपके लीवर फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं। उसके लिए आपको इसका रस इस्तेमाल करना पड़ेगा। रस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा, आप 4-5 पत्ते ले लीजिए, उनको कूट लीजिए और उसको आप किसी कपड़े में डाल के या छलनी में डाल के निचोड़ लीजिए हल्का सा। जो रस निकलेगा, करीब 1 चम्मच जो रस है अमरूद के पत्तों का, आप दिन में एक बार इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपका जो है वो डाइजेशन सुधर जाएगा, आपको अगर गैस की दिक्कत है वो भी जाती रहेगी। पहले पेट दर्द के लिए अमरूद भून के और ख़ास तौर से साथ में अमरूद के पत्तों का जूस निकाल के दिया जाता था, तो ये एक एंटी स्पाज्मोटिक, जैसे पेन होता है ना, स्पाज्मोटिक पेन स्टमक के अंदर, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो आप अमरूद का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं पेट दर्द के लिए भी। जो चौथा इसका बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो होता है, एक तो देखिए ये फैट को एब्जॉर्ब कम करने देता है, यानी कि बॉडी के अंदर फैट के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो आपका मोटापा नहीं बढ़ने देता। अगर आप रेगुलर अमरूद के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो काढ़े के तौर पर इस्तेमाल करें, आप कच्चे भी चबा सकते हैं, 1 पत्ता 2 पत्ता रोज कच्चे अगर अमरूद के पत्ते चबा लेते हैं वो भी आपको फायदा करेंगे। दूसरा, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करता है, जो LDL और VLDL होता है उसके लेवल को कम करता है, और जो HDL है उस पर ऐसे कोई खराब असर नहीं डालता, उसको बेहतर करता है और इम्प्रूव करता है।
तो इस तरीके से ओवरऑल जो आपकी कार्डियक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। क्योंकि अगर अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो आपके आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होगा, और अगर आपका मोटापा भी कम करेगा ये अमरूद का पत्ता, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर अपने आप में ही कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि अमरूद का पत्ता कार्डियक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तीसरा, ओरल हाइजीन, खासतौर से मुंह की बदबू में भी जो है अमरूद के पत्तों का काफ़ी अच्छा रोल, अहम रोल देखा गया है। इसका आप काढ़ा बना लें, और उस काढ़े से जो अमरूद के पत्तों के काढ़े से अगर आप कुल्ला करते हैं और गरारा करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक तो आपका ओरल हाइजीन इंप्रूव हो जाएगा और मुंह की जो बदबू है वो भी जाती रहेगी। इसके अंदर विटामिन सी भी होता है, तो जो गम्स की हेल्थ है वो उसमें विटामिन सी का काफ़ी रोल होता है। तो उस तरीके से ओवरऑल जो ये माउथ कैविटी की हेल्थ के लिए अमरूद के पत्ते आपको बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देने वाले हैं, आप इनको यूज़ करके देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको लास्ट इसका फ़ायदा बताऊं जो बहुत ही बेहतरीन है, आपको हर मौसम में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, पहले मैं बता देता हूं कि इसका जो इस्तेमाल है आप स्किन डिजीजेज में भी कर सकते हैं, खासतौर से एक्ने के लिए, और अगर आपकी स्किन ऑयली है, इचिंग होती है, उसके लिए आप अमरूद के 4-5-6 पत्ते ले लीजिए, उनको कूट लीजिए, उनका पेस्ट बना लीजिए, और आप अपने फेस के ऊपर या जहाँ पे आपको कुछ इचिंग वगैरह होती है, कुछ इन्फ्लामेशन है, या जो आपको छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं, उसके ऊपर आप लेप कर दीजिए। 10 से 15 मिनट इस लेप को लगा रहने दीजिए, फेस पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। फिर अच्छे से आप अपना मुंह धुल लीजिए। आप अगर ऐसा 2-3 हफ्ते करेंगे तो आप देखेंगे, एक तो आपके एक्ने जाते रहेंगे, ग्लो आ जाएगा आपके फेस के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने ऊपर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की बात की थी, स्किन में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, खासतौर से कैरेटोनॉइड्स। तो आप स्किन डिसऑर्डर्स के लिए और खासतौर से स्किन को क्लींजिंग के लिए भी अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद के पत्ते के काढ़े से, ठंडे काढ़े से आप मुंह धुल सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। और जो लास्ट इसका फायदा है, जो बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट देखा गया है, वो होता है इसके अंदर जो एंटी इन्फेक्टिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो खासतौर से गले की बीमारियों के लिए, खांसी, जुकाम, सर्दी के लिए जो काढ़ा इस्तेमाल करते हैं, जो जोशांदा इस्तेमाल करते हैं, उसमें अमरूद के पत्तों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये लाजवाब रिजल्ट देता है। इसको आप चाय की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका आप काढ़ा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपली जब चाय बनाते हैं उसमें 1-2 अमरूद का पत्ता डाल दीजिए, उसकी चाय पी लीजिए, आपको लाजवाब रिजल्ट मिलेंगे, आपकी नाक खुल जाएगी, गला खुल जाएगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई काढ़ा कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, काढ़े अगर आपको सिंपल काढ़ा गरारे वगैरह करने के लिए, माउथ कैविटी के लिए यूज़ करना है, तो आपने कुछ नहीं डालना, सिर्फ अमरूद के पत्ते पानी आपको चाहिए होगा। अगर आपको मुंह धुलने के लिए इस्तेमाल करना है, स्किन को साफ करने के लिए इस्तेमाल करना है, तब भी आपको सिंपल काढ़े की ज़रूरत पड़ेगी। डायबिटिक लोग भी सिंपल काढ़ा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, गले की बीमारी के लिए जो आप काढ़ा इस्तेमाल करेंगे, उसमें देखिए अमरूद के 2-3 पत्ते ले लीजिए। साथ ही साथ उसमें अगर आप अड़ूसा, एक पौधा होता है, एक दवाई होती है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो उसकी जगह आप जो गेहूं का आटे का भूसी बचता है, छानने के बाद ऊपर छाना जो बच जाता है, उसका 1-2 चम्मच डाल दीजिए, और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। इसको आप अच्छे से उबाल लीजिए, करीब 1 गिलास पानी लीजिए, जब ये 1/4 गिलास, 1/2 गिलास रह जाए तब इसको छान लीजिए। इसमें आप स्वाद अनुसार शहद मिला सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है, और आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। सर्दी जुकाम के लिए आप सुबह शाम हफ्ता दर 10 दिन इस्तेमाल करेंगे, कोई नुकसान नहीं, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। डाइजेस्टिव के तौर पे काम करेगा, स्किन को ग्लो बढ़ाएगा, लीवर के फंक्शन को ठीक करेगा, और आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, जो आपका गला वाला अपर रेस्पिरेटरी, तो बात बनती बनती है, क्योंकि इसके अंदर डीकंजेस्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो आपके लंग्स को भी खोलेगा, और अगर लंग्स के अंदर आपका बलगम जम गया है तो उस बलगम को बाहर निकालने में भी काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो ये थे कुछ बेहतरीन टिप्स अमरूद के पत्तों से रिलेटेड। आई एम वेरी श्योर अब आप अमरूद के पत्तों को यूं ही आसानी से नहीं फेंकेंगे, उसका आप पूरा फायदा उठाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें।